सहरसा जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पेट्रोल पंप में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप के कर्मी के खिलाफ विरोध करने लगे। देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर लोग अपनी चार चक्का वाहन को लगा दिया और पेट्रोल पंप के कर्मी पर एक गंभीर आरोप लगाया। दरअसल मामला क्या है, इस खबर में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल सहरसा जिला मुख्यालय के सरवा ढाला के निकट विनीत पेट्रोल पंप पर अचानक लोगों ने अपनी अपनी वाहन को पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया। वाहन चालक का आरोप है कि इस पेट्रोल पंप पर दिए जा रहे डीजल में सिर्फ पानी ही डाला जा रहा है, जिससे वाहन का इंजन खराब हो चुका है। वहीं वाहन चालकों का यह भी कहना है कि डीजल डलवाने के बाद थोड़ी दूर तक ही गाड़ी चली, जिसके बाद गाड़ी अचानक बंद हो गई। जब गाड़ी की पूरी तरीके से जांच की गई तो पता चला कि वाहन के टंकी में पानी ही पानी भरा हुआ है। फिर उन्होंने इसकी शिकायत पेट्रोल पंप के कर्मी को किया, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मी मानने को तैयार नहीं थे। देखते ही देखते चार से पांच वाहन की शिकायत आने लगी, जिसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मी सभी को आश्वासन दिया कि उनका डीजल बदल दिया जाएगा। वाहन चालकों ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल पंप में गाड़ियों में डीजल की जगह पानी डाला जा रहा है, जिससे उनके वाहन खराब हो गई है। वहीं वाहन के टंकी से डीजल की जगह पानी निकलने का भी वीडियो सामने आया है। वाहन चालक अभिमन्यु कुमार बताते हैं कि वे अपने वाहन को लेकर बेगूसराय जा रहे थे। गाड़ी में तेल कम थी, जिसके बाद उन्होंने सरवाढाला स्थित विनीत एचपी पेट्रोल पंप पर 2500 रुपए का डीजल अपने वाहन में डलवाया। गाड़ी कुछ ही दूरी तक चली, जिसके बाद वाहन अचानक बंद हो गया। वाहन बंद हो जाने के बाद वाहन चालक भी चौंक गए। जब वाहन की टंकी की जांच की गई तो उन्हें पता चला कि उनके वाहन की टंकी में डीजल की जगह पानी डाल दिया गया है। शुरू में 210 रुपया का तेल लिए जी, तेल लिए, उसके बाद मेरा गाड़ी यहाँ गया, उसके बाद बंद हो गया। मिस्त्री को बुलाए तो बस बिल्कुल पानी निकल रहा था। कहाँ से पानी निकल रहा था? जी टंकी से खाली पानी निकल रहा था। तेल कहाँ से लिए थे? तेल यहीं पेट्रोल पंप से लिए थे, सामने वाले पेट्रोल पंप। कितने का तेल लिए? 210 का। ये कितने गाड़ी में दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही तेल, पानी वाले तेल दिए, बस गाड़ी यहाँ 10 कदम भी नहीं चला, वहाँ से यहाँ गए, बंद हो गए। आपके अलावा और किसी को दिक्कत हुआ है? हाँ, यहाँ पे बहुत गाड़ी है, 4-5 गाड़ी है, उधर भी एक टेम्पो है, वहाँ भी खुल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? उगन कुमार। पानी दिया जा रहा है? हाँ, तेल में पानी मिक्स है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम लक्ष्मीनिया के रहने वाले हैं, सुपौल जिला। मतलब गाड़ी लोड करके जा रहे थे, बेगूसराय जा रहा था गाड़ी, तो यहाँ पर गाड़ी का तेल मतलब ख़त्म होने वाला, तो यहाँ 2500 रुपया गाड़ी में तेल दिया, तो वही मतलब तेल दिया तो गाड़ी का स्टैंड जाके बंद हो गया। बंद हो गया तो फिल्टर खोल के देखा जो मतलब गाड़ी के ये टंकी में पानी भरा हुआ है, तो उसके बाद मतलब खोल के देखा, उसके बाद मिस्त्री को बुलाए, मिस्त्री आके देखा तो उसमें पानी भरा हुआ था। आखिर कहाँ से तेल लिए थे, पानी कहाँ से आ गया? यही विनीत पेट्रोल पंप है, अस्पताल इसी के पास लिए, तेल लिए और पानी आ गया। हाँ अच्छा, मतलब पेट्रोल से मतलब पेट्रोल पंप वाले पानी दे रहा है? हाँ, पेट्रोल पंप वाले पानी दे रहा है। कितना का लिए थे? 2500 रुपया। पता फिर कैसे चला? तेल वही गाड़ी खराब हो गया, बंद हो गया था, पानी देने से बंद हो गया। हाँ, गाड़ी बंद हो गया था रास्ते में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है। कहाँ घर है आपका? मेरा गाँव घर बाली है। कौन सा गाड़ी है ये? महिंद्रा। पानी का शिकायत आ रहा है, पानी काम चल रहा है अभी अंडरग्राउंड का, तो तेल आप लोग कैसे फिर दे दिए जब पानी चल? मिस से चल गया, वो मतलब दे रहे थे मिस से चल गया। एक गाड़ी का कई गाड़ी एक गाड़ी लगा हुआ नहीं देख रहे हैं? कई गाड़ी एक गाड़ी है। कितने गाड़ी में गया है? एक गाड़ी में गया है, लाल वाला गाड़ी, जाकर के पूछिए। यहाँ तो 4-5 गाड़ी वाला शिकायत, कोई गाड़ी वाला नहीं है, एक गाड़ी वाला, वहाँ भी उधर भी है, इधर भी है, 4-5 गाड़ी है। आपको बस हो गया? क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? मेरा नाम दिनेश जी हुआ।